శృణు దృష్టాంతమస్య విషయమే దృష్టాంశంలో జీవు కా నాశ నీ హోతా శరీరాది కా నష్ట హోనే పర్ భీ వృక్ష కా దృష్టాంత ఉఠాయా థా నా ఇస్కా మూల మే జో హై కుల్హాడి మారోగే తో మరేగా నీ హో ఇది వహాన్ సే రస్ నికల్తా రహేగా కుచ్ దేర్ ఉసీ ప్రకార్ సే శాఖా కాటో ఇస్ తరహ సే సబ్ దృష్టాంత లియా థా उसे करे महतो अनेक शाखाद युक्त वृक्षस्य महान वृक्ष मने अनेक शाखाद से संपन्न जो वृक्ष अस्य वृक्षस्य अस्य इति अग्रदस्थितम् वृक्षम दर्शनाः सामने विस्तृत वृक्ष को दिखाते हुए ये बात कही जा रही। यदि यह कश्चित् अस्य मूले अभ्याहन्यात् जो कोई पुरुष इस वृक्ष का मूल प्रदेश में चोट मग लगाता है अभ्याहन्यात परश्वादिना परशुम ने उठा दी उसके द्वारा मारा गया उसको काटने के प्रयास किया मूले अभ्याहन्यात परश्वादिना सकृत घात मात्रे ना भाष्कर कहते हैं ऐसे मूले अभ्यान मुंह से काटी दो उखाड़ी दो तो उखाड़ने का वृक्ष खत्म हो जाएगा इसलिए यहाँ पर अभ्याहन्यात अपने सकृत घात कर एक बार जबरदस्त चोट दे काटा नहीं पूरा मुंह से चोट लगा दिया सकृत घात मात्रेना न शिष्यति वो पेड़ सूख नहीं जाता जीवन नैव भवति बिल्कुल जीवित ही रहेगा वो क्यों तदा तस्य रस स्रवे लेकिन हमने उस समय ये देखते हैं उसको जो रस स्राव हो रहा है कुछ रस निकलता है पानी सा निकलता है कहीं तो गोंदी बन जाता है नहीं कहीं तो दारू निकलता है अलग अलग पेड़ की महिमा अलग अलग है कुछ न कुछ तो जैसे आपकी भी आंख काट दिया जाए खून निकलता है कि नहीं रस स्राव हो रहा है शरीर का रस क्या खून है तो खून निकलता है तथा तस रस स्रवे तथा यो मध्य अभ्याहन्यात ठीक इसी प्रकार से जो कोई मध्य भाग में एक चोट लगा दिया तो जीवन सर्वे तभी जीवित रहता हुआ रस स्राव मात्र हुआ करता है तथा यो अग्रे अभ्यान्यात जैसे उस वृक्ष के ऊपर छोटे के हिस्सा में जाकर काट दिया तब भी क्या होगा कहते हैं जीवन सर्वे सएव यानी कि दूसरा हो जाता है सएव वृक्ष इदानीम जीवेन आत्मन अनुप्रभूत अनुव्याप्त पेपीय मानो अत्यर्थम पिबन उदकम भौमाश्चरसान मूले गृह्णन मोदमानो हर्षम प्राप्नुवंस तिष्ठति वही वृक्ष वह नहीं दूसरा हो जाता हो तो वही वृक्ष होता है इस समय में भी जीवेनात्मना किसी एक उस अपने वृक्ष के भी जीवात्मा है उस जीवात्म भाव से अनुप्रभूत हो उस समस्त वृक्ष रूपी शरीर में अनुव्याप्त होकर के पेपीयमान अत्यर्थम पिबन अतिशयन पिबन बारंबार जो है जल आदि को पीता है और रसांश भौमान पार्थिव रसों को ग्रहण करता हो मोले ही गृहणन अपने जड़ों से ग्रहण करते हुए मोद मानो हर्षम प्राप्तवन बड़ा प्रसन्नता पूर्वक जो हरा भरा जो है लगता हंसता हुआ खिलता हुआ रहता है तिष्ठति तिष्ठस्ति हो गया है सकार काट दो तिष्ठति अरे तिष्ठति में कहां से निश्चय प्रसाद लगा रही प्राप्तवंश तो ठीक है तिष्ठती बोल रहा हूं मैं उसे आगे तिष्ठस्ती है ना थ के बाद पहले वाला तो ठीक है पहले की कहा बोल रहा हूं मैं तिष्ठ के बाद में एक सौ दिख रहा है ठस्ती हो गया है ठस्ती है ना वो सकार को कहा तिष्ठती पहले वाला सकार ठीक है प्राप्तवंश वहां ठीक निश्चय प्रशांत लग गया हो जाता अस्य एकादं शाखां जीवो जहाति अत सा शिष्यति द्वितीयां जहाति अत सा शिष्यति तृतीयां जहाति अत सा शिष्यति सर्वं जहाति सर्वः शिष्यति वही अभिव्यक्ति के साथ जा रहा है पहले चोट लग गया हुआ हुआ तो भी वो मरा नहीं क्यों जीव व्याप्त था कथित में क्या प्रमाण जीव व्याप्त था देखो ये भी प्रमाण बन जाएगा एक तो कटने के बाद चोट लगने के बाद भी वो
मरा नहीं, और दूसरा जिस शाखा को अभिमान त्याग देता है वह शाखा सूख जाता है, वही वृक्ष का अभिमान त्याग देगा पूरा वृक्ष ही खत्म हो जाता है। यही मनुष्य में भी होता है ना, उस जीवात्मा का नियंत्रण उस अंग से बड़ा खत्म हो गया, कहते लकवा हो गया, हाथ की लकवा, पैर की लकवा, खोपड़ी की लकवा, सर की लकवा हो जाते ही नहीं, अलग अलग प्रकार के माने गए। इसे यदि एकाम शाखाम यदा, एकाम शाखाम यत्यर्थ तत्पर यदार्थ में, जब यह वृक्षाभिमानी जीवात्मा एक शाखा को त्याग देता है, जीवो जहाती अतः साशुषति, तो वह शाखा सूख जाती है, अतः द्वितीयान जहाती, और दूसरी शाखा से भी उसने संबंध छोड़ दिया तो क्या होगा, और दूसरी शाखा सूख जाएगी साशुषति, तृतीयान जहाती, तीसरे को त्याग देता है तो वह तीसरा भी सूख जाता है, इधर सर्वं जहाती सर्वशिष्यति, संपूर्ण वृक्ष का ही सात्व जीव अपने संबंध को त्याग देता है तो संपूर्ण वृक्ष ही सूख जाता है। इस स्पष्ट है एक ऐसा कोई तत्व था जिस वृक्ष को व्याप्त करके रहा, अतएव पहले काट छांट करने के बावजूद भी वह जीवित रहता, प्रसन्न रहता था, और जैसे जो एक एक अंग को त्यागते जाता है वह अंग सूखते जाता है, अतएव सिद्ध हो गया कि इससे भिन्न स्थूल वृक्ष से भिन्न इसका अभिमानी कोई सूक्ष्म चीज है जिसको आप जीवात्मा कहते हैं। तस्यास्य एकां शाखां रोगग्रस्तां आहताम वा, उसकी जो है एका शाखा को रोगग्रस्त हो जाए तो भी सूख जाता है, ये नहीं। ऐसे ऐसे हमने देखा जब बरसात के दिन वगैरह में पेड़ पे वो कीड़े लग जाते, कंबल कीड़ा एक होता है तो आगे से खाते जाता है, पीछे शौच करते जाता है और दिन भर खा जाएगा, ये इतने करोड़ों की संख्या में टीए हो जाएंगे, वो शुरू में दो चार होते हैं, पता नहीं पैदा भी करते रहते, खाते भी रहते, हकते भी रहते, समझे नहीं कैसे जीव बना रखा भगवान, खाते भी रहेंगे चिट्ठी भी करते रहते हैं साथ साथ, कलक 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 गिरते रहेगा पाउडर सा, उधर बच्चे भी पैदा होते रहते और देखते भी देखते 24 घंटे अगर लाखों की संख्या में हो जाते, हमारे यहाँ हुआ था ना घास पर भी लाखों की संख्या और सारा पेड़ के एक भी पत्ता नहीं बचे सब साथ, विलक्षण है। लेकिन पेड़ मरता और कीड़े सब खा जाते हैं, खाने में देखें कोई पत्ता नहीं मिला, सब उतर के इधर उधर चले जाते, चले जाएंगे इधर उधर खोजेंगे और मिलने को नहीं, मैं धीरे मर जाते, ये तो सीजनल होते हैं। तो फिर देखा 2 महीने बाद हरा भरा पूरा बहुत बढ़िया था, ओंकारेश्वर में ही वो शंकराचार्य जी के मंदिर के ठीक पीछे में गुलर का पेड़ था, देखते थे हफ्ता भर के अंदर सब खत्म, हमने कहा महाराज तो पेड़ बड़ा विलक्षण स्थिति हो गया, सूख गया, कहता भी रुक जाओ 2 महीने के बाद देखो, काट दो क्या करना है, काट दो काम है अगर उसे घर में करके, नहीं नहीं रुक जाओ तुमने पहली बार देख रहा है, जिनकी पहली बार देखा सारा पूरा मुंडन हो गया 100% मुंडन, कहीं भी रत्ती पर भी पत्ता नाम का चीज एक हिस्सा छोड़ छोड़ भी दिया हुआ, ऐसा कहीं कुछ नहीं पूरा सा, 2 महीने के बाद ठीक। कहने का मतलब क्या कि जीव उसमें भी है ना, ठीक है उसके सब कोई नोच के खा गया किसी ने, जैसे चरम रोग हो जाता ना पूरा चमड़ा छिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए हो रहे हैं, फिर भी आदमी अंदर चाहे दुखी है चाहे सुखी है चाहे रह तो रहा है इसी में, उसी प्रकार से पेड़ को सब खाए तो पेड़ बहुत दुखी होगा, क्या करेगा कुछ नहीं कर सकता, पड़ा रहता। तो उसी प्रकार यहां पर रोगग्रस्ताम आहताम वा, तो किसी ने काट ही दिया, खेच दी, टूट गया उसकी डाली, उतरा ऐसा क्या हो जाता है, सूख जा, जीवो जाते तब जीव उसके समय त्याग दिया, उपसंवर्दी शाखायां विप्रसृताम विप्रसम आत्मांशक, उस शाखा में अपने अभिव्याप्ति जो किया तो श्वास के द्वारा स्वचेतनता की अभिव्याप्ति जो हुई थी उसको उसने उपसंहरण कर लिया, उस उपाधि से अपने चेतन भाव को प्रतिबिंब भाव को त्याग दिया, अथ सशिष्यति तब शाखा सूख जाती, वांग मन प्राण करण ग्रामान प्रविष्ट ही जीवा तद उपसंहार उपसंग्रियते,
वाणी मन प्राण आदि कर्ण समूह को अनुप्रविष्ट होकर के ही इसका नाम जीव पड़ता है। और कैसे जीव इति तद उपसंहारे, अर्थात कर्णों को उपसंहार हो गया तो जीव का उपसंहार कर दिया, क्योंकि जीव का उपसंहार तो हो नहीं सकता, जीव ही ब्रह्म है, सर्वत्र व्यापक है, वो कैसे उपसंहार कर जाएगा, कैसे चैतन्यता निकल थोड़ी जाएगी, जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, सर्वत्र चेतन है, कोई एक जैसे चैतन्य को निकाला नहीं जा सकता। निकला क्या, तो कर्णों की वृत्ति हट गई वहां से, जिन वृत्तियों के द्वारा आप जो विशिष्ट चैतन्य अभिव्यक्ति कर लेते रहे वह वृत्तियां वहां से निवृत्त हो गई, अतः उस विशिष्ट चैतन्य रूप जीव का भान नहीं हुआ, उसी को कहे जीव वहां से हट गया, जीव उसको त्याग दिया, जीव से संबंध को हट निकल गया, वहां से चैतन्य निकल गया, ऐसे सब व्यवहार होता है। इन वास्तव में चैतन्य निकलता नहीं, निकल ही नहीं सकता कहीं से, वो जो सर्वत्र व्यापक उसको कहां से निकाल, आकाश को निकाल, कहीं से कहीं से निकाल दो, निकाल नहीं सकता कोई, जब आकाश को नहीं निकाल सकते तो आत्मा को कहां से निकाल दोगे, सवाल नहीं उठता। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कर्ण व्यवहार को लेकर के ही जीवत्व है, और कर्णों को उपसंहार होने से कह दिया जीव को उपसंहार हो गया, अर्थात विशिष्ट चैतन्य जो भाषित हो रहा था तार विशिष्ट चैतन्य का भान होना बंद हो गया। जैसे आप सुषुप्ति में होता है, जो विशिष्ट चैतन्य इस समय आपको भान हो रहा है, मैं आत्मानंद हूं, अमुक आनंद हूं, ये आनंद वो आनंद, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थी हूं, सन्यासी हूं, इत्यादि इत्यादि, वो सारे भान का निवृत्त होना ही हम क्या कहते हैं, जीव अब सो गया, जीव जो शरीर से अभिव्याप्त अपना ग्रहण वापस कर लिया, हृदय में चला गया, ऐसे सब व्यवहार होता है। यह व्यवहार केवल कर्णों का ही समूह का अभिव्याप्ति, जो वृत्तियों के द्वारा अभिव्याप्ति थी, वृत्ति अभिव्याप्ति में निवृत्त होने मात्र से ही आप कह देते हो जीव निवृत्त हो गया, ये व्यवहार। इसे कहते जीवन च प्राण युक्त न अशितम प्रीतम चरसदांगदम जीवत शरीरम वृक्षम वर्धयद रसरूपेण जीव सद्भावे लिंगम भवति। और देखो काटने के बाद रसस्राव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रसस्राव कैसे होगा, यदि अंदर कोई जीव नाम का चीज नहीं है, जो विशिष्ट चेतना अभिव्यक्त करके ग्रहण करने वाला नहीं होता तो श्रवण भी नहीं हो सकता, रस भी नहीं हो सकता, उसके अंदर सूख जाएगा। इसे जीवन प्राण युक्त है, जीवन प्राण रूपी उपाधि से युक्त ही जीवात्मा मानी जा सकती है, और तारस जीव के द्वारा खाए हुए पिए हुए चीज ही रसदांगतम रसदा को प्राप्त करके जीवित शरीर जिंदा शरीर आपको दिखाई देता है, और उस शरीर का नाम यहाँ दृष्टांत में क्या ले रहे हो, शरीर वृक्ष वर्धयत रस रूपेण वृक्षम वर्धयत वृक्ष को वृद्धि करता हुआ रस रूपेण जीव सदाले रस रूपेण वृद्धि करता हुआ जीव के इस वृक्ष के अंदर सद्भाव में लिंग बनता है, प्रमाण बनता है। अशित पीता भ्याम ही देह है जीवस्तिष्ठति, क्योंकि खाए पिए के द्वारा ही इस शरीर में जीव भी, क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं टिकेगा, प्राण नहीं टिका तो जीव नहीं टिका, विशिष्ट जो है ना उपाधि के बिना उपहित कहां से रहेगा, उपाधि हट गया तो उपहित भी हट जाएगा। तेज अशित पीते जीव कर्मानुसारी, और वे जो खाए पिया वे चीज भी क्या है, जीव कर्म के अनुसरण करते हुए ही सब व्यवहार को प्राप्त होता है, परिणाम आदि को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग जितना भी माल पानी मिल जाए खावे पिए तो भी शरीर थोड़े बन जाता है, इसके कर्म में है ही नहीं शरीर बनने का, जितना भी खाएगा भस्मक रोग जैसे हो जाएगा और खाए वह सब भस्म हो जाएगा, शरीर में कुछ नहीं रहेगा, और जिसके अपराध कर्म अच्छा हो तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, सूखा सूखा रोटी खा रहा है फिर भी हट्टा कट्टा तड़ा रहे, बिल्कुल ऐसे कर्म ऐसे ना इच्छा रहा है बहुत पाउडर सिपटर लगा करके जो है नहीं कितना सुंदर बनने के प्रयास करते हैं, और कोई कोई ऐसा होता है कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत है, उससे आप मुख भी नहीं धोके उठ के खड़ा है तो भी लगता बड़ा सुंदर है, कैसे लगेगा, सब अपने अपने प्रारंभ कर्म फलानुरूप है। जब लास्ट पर बना रहा था लियोनार्डो दा विंची आर्टिस्ट जो था कलाकार वो बनाने के लिए वो ढूंढ रहा है एक आदमी ऐसा जो जीसस जैसा हो, अब जीसस जैसा कहां से मिलेगा, वैसे दाढ़ी मूंछ वगैरह होना चाहिए, और उस स्थिति में एकदम समाधि अवस्था जैसा था ना उसका, ट्रांस अवस्था में रहता था लास्ट सब पर ऐसा अनमत एकदम मस्त, कहां मिले ढूंढते ढूंढते कई दिन बन गए, और एक आदमी बन गया रात का समय अर्ध अंधकार का बीच में,
दारू पिया नाली में मस्त पड़ा हुआ था, ऐसे चेहरा पड़ा हुआ था, गोरा चेहरा चिट्टा चेहरा था और दाढ़ी वगैरह वैसे। अरे ये जीसस है बोले। फिर उसको पकड़ के ले गया, उसको खिलाया पिलाया तनखा सब देख करके कहा बस तुम दारू पिया करो मस्त, तुमको देख देख के मैं बनाऊंगा। बस ड्रम भर दारू दे दिया, अपना पी रहा मस्त पन पड़ो। होश है जो एक चार खाने को चाहिए, चलो भाई चिकन खाओ ये खाओ जो खाओ बता दे। करीब चार महीना उसको इस तरह से पालता रहा और उसको तब जाके बनाया। ये इतिहास है, पता नहीं कहां से सच्चाइयां हैं, लोग सुनाते हैं कहानी। तब वह दिव्य कला बनी जो कि आज तक विश्व में उसकी मान्यता है। इस तरह से जीवन चीज में वो चीज ढूंढा ना उसने, यदि उसके अंदर जीवधा होता चाहे जितना भी होता क्या होता, उसका जितना खाएगा पेगा तो असर थोड़े करेगा है कि नहीं। ऐसे ऐसे भी नशे बाजी जितना है पे कोई असर ही नहीं करता, नशा खा करके आदत पड़ गया। से जितने भी नशेला दवाई होते हैं आप देख लीजिए, आप शुरू में आधा गोली खाएंगे, धीरे धीरे एक गोली खानी पड़ती, फिर दो खाना पड़ता, फिर तीन खाना पड़ता, बढ़ते ही रहता है। फिर इंजेक्शन ही लो, डायबिटीज में भी यही होता है। डॉक्टरों को ये आश्चर्य करते रहे आप तो तीन गोली खाते थे, अब आधा खाने लग गए, तो कैसे हो गए? इसमें तो होता है तीन से चार होना चाहिए, चार से पांच होना चाहिए, छह होना चाहिए, एक टाइम दो दो गोली तीन बार। उससे भी जब नियंत्रण ना आए तो आपको तो इंसुलिन आरंभ होना चाहिए था, अब तक तो घट रहा है आपकी दवाइयां, कैसे हो सकती है? आश्चर्य करते। तो नियंत्रण है, संयम की बात है, खाने पीने में से हर चीज का संयम रखे रहो। और जड़ी बूटियों की खोज करते 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 एक्सपेरिमेंट करते करते अपने शरीर में समझ में आए क्या खाने से नियंत्रण में रहता है, कर ही रहे अभी भी एक्सपेरिमेंट चलते ही रहता है। प्रयोगशाला है शरीर, एक प्रयोगशाला है, उसको प्रयोगशाला में प्रयोग कीजिए, चाहे जिए चाहे मरे, एक दिन वैसे मरना ही है। इस प्रयोगशाला में कई प्रयोग करना है ना, अब आदमी समझता नहीं है, अब उसको जो है प्रयोग से डरता है, नहीं प्रयोग से बहुत कुछ ज्ञान होता है, प्रयोग करना चाहिए विभिन्न प्रकार का प्रयोग। और उसमें सबसे अधिक उपासना, निदान, चिंतन, मनन, ये भी प्रयोग है ना। ये जो कह रहे हैं इसको आप जो है प्रयोगात्मक रूप से यदि अपने अंदर शरीर रूपी लेबोरेटरी के अंदर इसका परीक्षण नहीं करोगे तो अनुभूति कैसे करोगे? वेदांत अनुभूति होगी क्या? बाहर घूमते फिरने से कथा प्रवचन कर से वेदांत अनुभूति हो जाएगी? नहीं हो सकती। ये तो अपने शरीर की प्रयोगशाला में ही करना चाहिए। इसलिए अधिकतर जगहों में जब इस तरह से शरीर में ही दृष्टांत, इसलिए कहा शरीर में ही जीवा, पहले सिद्ध कर रहे हैं शरीर में ही जीव है ना, जो शरीर को से अलग होता हो शरीर में रहता हो जीव, जिसके कारण से शरीर भी रसवान होकर के रहता हो वही ब्रह्म। फिर अगला मंत्र में कहेंगे सात्मा तत्त्वमसि। इसलिए कह रहे हैं कि जीव कर्मानुसारिणी इति, जो खाता पीता है वो तो उस जीव के कर्मानुसार हुआ करता है, परिणाम को प्राप्त होता है। जीव से निमित्तम यस्य इति भाव तस्य एकांग वैकल्प निमित्तम कर्म। यदि उसकी एकांत की वैकल्यता का निमित्त होता कोई कर्म आ गया यदा उपस्थितम, वैकल्य होनी चाहिए, वैकल्प नहीं, वैकल्य निमित्तम कर्म यदा उपस्थितम भवति। अब क्या क्या वैकल्य है? हाँ ठीक है, वैकल्य या वैकल्प है वहां, यह कहा है यह बनाओ। तस्य एकांग वैकल्य निमित्तम कर्म यदा उपस्थितम भवति, जब एकांग का विकलता मैंने एकांग के अभाव होने का कोई कर्म निमित्त भूता जो कर्म उपस्थित जब हो जाता है, तदा जीव एकाम शाखाम जहाति, शाखा है आत्मानम समृति, उस शाखा से अपने अंतःकरणों को उपसंहार कर लेता है। आत्मानम उपसंहारति, उपसंहार कर लिया। मैं वही पहले समझा चुके हैं, आत्मा को उपसंहरण नहीं हो सकता, अतएव करणों को उपसंहारी आत्मा उपसंहार करके कहना है। एकाम शाखाम जहात मैंने शाखाया आत्मान उपसमृति, उस शाखा से अपने करणों की वृत्तियों को उपसंहार कर लेता है। अतः तदा सा शाखा शिष्यति, इसलिए उस समय वह शाखा क्या हो जाएगा? सूख जाता है।
जीव स्थिति निमित्त रसो जीव कर्म आक्षिप्त, जीव की स्थिति का निमित्त होता जो रस है वो जीव कर्म से आक्षिप्त है। यावत जीव का कर्म उस अंग को भोग करने का है तब परंतु अंग बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जब जीव कर्म उस अंग का भोग संबंधी समाप्त हो गया कर्म, तो अपने वो सूख जाएगा। तब कर्म का समाप्त होना और कर्म का होना और न होना यही मुख्य आधार हुआ। उसने कर्माक्षिप्त रस है और रस से अनुमित हो गया जीव। अगर कर्म है तो यहाँ पर इसलिए लोग कह सकते हैं भाई यहाँ तो अन्योन्याश्रय दोष आ गया। जीव है इस शरीर में तो अंडस का परिणाम है, अंडस का परिणाम है तो जीव है, ये मानना पड़ रहा। जिसने रससाल देखा अतिव अपने कहे जीव है, और जिसने जीव का कर्म है इसलिए रस है। तो जीव है तो सब कर्म है, कर्म है तो रस है तो जीव है ना। जीव रस जीव लोगे अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा, जीव कर्म रस जीव लोगे तो चक्रक दोष आ जाएगा, और जीव और रस का परस्पर आपका लोगे आत्माश्रय दोष हो जाएगा। ये सारे दोष इकट्ठे आ जाएंगे, आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्र और अनावस्था। इसके लिए अलग उसके अलग मान ले जाओ तो अनावस्था दोष। इसलिए कहते हैं ऐसा जब कहा तब दोष के सब उपदार जवाब देते नहीं ऐसा नहीं करना। जीवोपसंहार न तिष्ठते, क्योंकि जीवोपसंहार कर्म अस्तित्व ही नहीं होता। अगर रस और कर्म सारी चीज का आधार जीव है, कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान कर रहे हैं। रस सूख गया तो हम समझ रहे कर्म खत्म हो गया, इसलिए रस से हम जीव का अनुमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कहना जीव था अतएव रस है और उसे प्रमाण सुख ने सर मजबूत हो गया। सुख क्यों गया? जीव का संबंध छोड़ दिया, अच्छा रस का भी इसलिए अभाव हो गया। रस का क्यों अभाव हुआ? क्योंकि जीव के कर्म का अभाव होने से। अच्छा सर्वत्र जीव अनुसूत है, जीवशात कर्म जीवशात रस, जीवशात रसाभावात कर्माभाव, कर्माभावात जीव का प्रभाव पर संबंध अभाव अनुमान हो जाता है। इसलिए यहां पर अन्योन्याश्रय दोष नहीं हो सकता। सभी कार्यों के प्रति कारण रूपेण मुख्य रूपेण जीव ही तो बनते, चाहे कर्म रूपा कार्य हो रस सुभा कार्य हो उनके अभाव रूप का कार्य हो कोई भी कार्य हो सभी का संबंध जीव से ही है। इसे अन्योन्याश्रय दोष नहीं रखता है। रसापगम शाखा शोषण उपरी, रस का अपगम होने पर वह शाखा अवश्य ही सूख जाता है। तथा सर्व वृक्षम में वेदायम जहादी, इसलिए सदा जो है यदि मान लीजिए वह वृक्ष जब संपूर्ण वृक्ष वृक्षाभिमानी जीवात्मा संपूर्ण वृक्ष के संबंध को त्याग देता है तथा सर्वोपि वृक्ष संपूर्ण वृक्ष सूख जाएगा। वृक्ष से रस श्रवण शोषणादि लिंगात जीववत्तम दृष्टांत श्रुतिश्च चेतनावंत स्थावरा इति। वृक्ष से रस श्रवण शोषणादि लिंगात, वृक्ष के अंदर रस का श्रवण रस का सुकन इत्यादि लिंग से जीववत्व दृष्टांत श्रुतिश्च चेतनावंत स्थावरा इति। जीवत्व का दृष्टांत कथन करने श्रुति के द्वारा यह बात सिद्ध कर दिया जो स्थावर है वे भी चेतन वाले हैं। जो स्थावरों को अचेतन मानते हैं उनका जो है बात खंडन हो गया, उनके सिद्धांत में कोई सार ही नहीं है। असारमिति दर्शितम भवती यथा अस्मिन् वृक्षे दृष्टांत दर्शितम जीवेन युक्त वृक्षो एवमेव खलु सोम विद्धि जिहोवाच जीवापेदं वावकिलेदं म्रियते न जीवो म्रियते इति। सयेषु अणिमा एतदात्मिदं सर्वं तत्सत्यं सात्ता तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। भूयेव मा भगवान् विद्यापयत्विति तथा सोम्येति होवाच। एवमेव खलु सोम्य, जिस प्रकार से यह वृक्ष में दृष्टांत को तुम देख रहे हो, जीव से युक्त तो वृक्ष अशुष्क और रसवान रहता है, और जिस जीव से अयुक्त हो जाता है यह जो रस रहित होकर के शुष्क हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एवमेव खलु सौम्य विद्धि यह शरीर के अंदर जीवात्मा स्थिति को समझो। इति होवाच जीवावे पेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। जीव से रहित होकर शरीर ही मरता है, जीव कभी मर साया ये शोनी माँ। इसलिए वह यह जो समस्त जगत का कारणीभूत सूक्ष्म तत्व था वही यह
एतदात्म इदम सर्वम आत्मा ये यह वही इन सकल जगत का भी आत्मा है अथवा एतदात्म समस्त जगत है। तत् सत्यम वह आत्मा ही सत्य है वही सत्य है वह कारण ही सत्य है और वह कारण क्या है वही आत्मा है वही तुम हो हे श्वेत केतु इति। तब कहते महाराज दृष्टान्त आपने समझा दिया लेकिन ये समझ में नहीं आता इतना स्थूल बड़ा वृक्ष उस जीव रूपी सूक्ष्म पर कैसे टिक गया कैसे रहा हो क्योंकि हम ये करते हैं पत्थर उठाओ आकाश में रख दो आकाश सूक्ष्म है ना ये स्थूल को रख दो वो रहता है क्या वो गिर जाता क्यों गिर गया क्यों गिर गया यदि स्थूल वस्तु सूक्ष्म पर रह सकता है तो यदि स्थूल वस्तु सूक्ष्म पर टिक सकता है तो ये आकाश पर क्यों नहीं टिका कोई पत्थर आदि बताओ क्यों नहीं टिका हो क्यों नहीं टिका हो इसका मतलब क्या स्थूल के लिए आधार भी तो स्थूल ही चाहिए स्थूल का आधार स्थूल ही चाहिए सूक्ष्म नहीं हो सकता ऐसा कोई शंका या श्वेत केतु का मन में आ रहा है कि हम तो यही देख रहे हैं स्थूल का आधार स्थूल ही होता है स्थूल सूक्ष्म पर तो टिकता नहीं यह वायु सूक्ष्म है अगर हम स्थूल एक पत्थर डाल देता हूं तो वायु पर टिकता दैट जाग के नीचे गिरेगा और पृथ्वी भी स्थूल पर स्थूल टिकता है इसलिए आपके यह कथन करना हमें इतना सही सही महसूस नहीं होता इतना बड़ा स्थूल शरीर उन सूक्ष्म कर्णों में टिका है वो कर्ण विशेष चेतन बुद्धा जीव पर टिका है और जीव इसको पकड़ रखा है जीव जब छोड़ देगा ये खत्म हो जाएगा ये आपका कहना हम नहीं मान सकते अतएव आपके दूसरे दृष्टांत से और अच्छी तरह समझाइए किस प्रकार से यह स्थूल वस्तु सूक्ष्म पर टिका हुआ है स्थूल का कारण सूक्ष्म है तो जाते विदम है ना ये तो कहना अनिमा अब उस पर पांव पहुंच रहा है इसीलिए एक एक करके आगे बढ़ रहा है ना सयेशिमा वही सूक्ष्म बोला अपने कारण ये नहीं हो सकता स्थूल के टिकने का कारण जो है सूक्ष्म नहीं हो सकता है ऐसा उसके मन में आया अतवे कहता हे भगवान भूय मा विज्ञापे तो और आप अच्छी तरह से मुझे इसको समझाइए कि तथा समित तब पिता कहते ठीक है बेटा और तुमको प्रेम से समझाता यदि अश्विन वृक्ष दृष्टांत दर्शितम भाष्यकार जिस प्रकार से दृष्टांत में दर्शाया गया है जीवे ने युक्त वृक्ष अशुष्क जीव से युक्त जो वृक्ष है वो कैसा था अशुष्क था रसपानाद युक्त रसपानाद से युक्त होकर रसवान था जीवती इत्युच्यते व्यवहार भी हो गया जीवित है वृक्ष तदपेतश्च मृयते इत्युच्यते और वह जीव का हटने पर ही काल मर गया ये व्यवहार होता है एवमेव खलु सौम्य विद्धीति उवाच इसी प्रकार से हे सौम्य हे प्रिय दर्शन इसको इस जीवात्मा तुम्हारी अपनी आत्मा को इसी प्रकार के समझो जीवापेतम जीव वियुक्तम वावकेला इदम शरीरम मृयते जीव से वियुक्त हुआ ये जो शरीर है ना मर जाता है न जीवो मृयते और जीव मरता नहीं है इस शरीर का मन से लोग कह रहे हैं ये अमुक आदमी मर गया ये जो कह देते हैं वो ठीक नहीं वह नाम और नाम में से शरीर मर गया लेकिन वो व्यक्ति मरता नहीं बल्कि नाम भी बाद में टिका रहता है मुख्य दृष्टि से आप देखोगे तो स्थूल जगत के व्यवहार से भी आदि मर गया शरीर मरा ना लेकिन उसका नाम भी बहुत समय तक रह जाता है इसलिए आगे कहेंगे नाम रह गया कहेंगे जब मैत्री को तक ऐसे कैसे हो सकता है जब वो चला गया तो नाम कैसे रह गया यहीं पर आप मेरे को मोह में डाल रहे हो ऐसे बोलेगी वो फिर समझाएंगे नाम भी कुछ हद तक रहता है क्योंकि अभिधेय की अपेक्षा से अभिधान जो है वो सूक्ष्म अभिधेय अत्यंत स्थूल है अभिधेय का नष्ट होने पर भी इसलिए है उस अभिधेय का अभिधान बुद्धा तत्व बना रहता है जैसे घट नष्ट हो गया तो घट नाम रहने में क्या दिक्कत है लेकिन वह नाम उस उपाधि से संयुक्त नहीं है ना तारुष उपाधि में दूसरा भी है अब कितने रामानंद हो गए कितने स्वरूपानंद हो गए कितने कृष्णानंद हो गए कितने शिवानंद हो गए और भी होते रहेंगे दुनिया में यही नाम तो देते ही रहेंगे नाम तो रह गया ना इसीलिए अमुक का ही है नाम आप जो कह रहे कितने सौ साल तक लेते रहोगे कितने हजार साल तक चलेगी
है कि नहीं। अब शंकराचार्य का नाम 1200 साल से, कोई 2400 साल से मान रहा है, कुछ इतने साल से चल रहा है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? उतने दिन तक है जब तक ये कलयुग रहेगा, उसके बाद अपने आप ये सब नाम स्वभाव हो जाएंगे। फिर अगला जो चतुर्युग होगा उसमें जो पैदा होंगे वो क्या क्या नाम लेंगे, क्या रखेंगे नाम, क्या पता। उस कलयुग उस चतुर्युग में पैदा होने वालों का अपने कर्मानुसार होगा ना, विधान अवधि व्यवस्था। धाता पूर्वकल्प सृष्टि तो वैसे रहेगा, नहीं जरूरी नहीं ये आम ही नाम रहेगी जो अभी जिसको हम आम नाम ले रहे हैं, किसी और का नाम आम रख सकते हैं, वृक्ष ही रहेंगे, नाम ही रहे, वस्तु भी वही रहे, कोई जरूरी नहीं। ये तो अभी भी देखने को मिल रहा है, नाम बदलने में कि नहीं बदल रहा है, वस्तु तो वही है ना। अब यह ऊपर देखो पहाड़ में औरत को गाय कह देते हैं, आदमी को बैल कह देते हैं, और उसको पशु कहते हैं, गाय पशु है, डंगर है, ऐसे सब आप बोल देते हैं और नाम ही अलग कर दिया उसका। एक युग में आप देख रहे हो, और संस्कृत भाषा में भी इस तरह से विकृति हो गई थी, इसे व्याकरण लिखना पड़ा था, भाषाकार से तो आना पड़ा, व्याकरण रहते हुए भी सब उल्टा पुल्टा नाम प्रयोग होता। इसे नाम भी और ये भी, लेकिन कुछ नाम ऐसा होते हैं कि जिसको हम लोग सदा स्मरण कर लेते हैं, वो भी कारण क्या है, पुराण वेद वगैरह प्रमाण, और उसके ईश्वर का नाम मान लिया गया है, उसके नाम संतान आदि को भी देते तो परंपरा बन गई। अभी देशों में तो कोई नाम की क्या परंपरा है, कुछ पता नहीं चलता क्या क्या नाम रख देते, समझ में नहीं, जो मुंह में आ गया वही नाम, बस खत्म। ऐसी स्थिति है वहां, क्योंकि वहां कोई परंपरा है ना, वैदिक पौराणिक क्या परंपरा ऐसी कुछ नहीं। ये ईसाई वगैरह कोई धर्म को नहीं मानते, उनमें क्या नाम रखेंगे, वो कुछ भी रख देते जो मन में आगे रखते। इसलिए नाम भी इसलिए अंत में क्या होता है, मिट जाने वाला ही वस्तु है, लेकिन स्थूल वस्तु की अपेक्षा से वो अभिधान अभिधेय की अपेक्षा से अभिधान ज्यादा समय तक टिक जाएगा। इसलिए यहां कह रहे हैं कि भाई वो जीव व्युक्तम भाव के लिए एकदम शरण म्रियते न जीव म्रियते कार्य शेषे च सुप्तोत्थितस्य मम इदं कार्य शेषम अपरिसमाप्तमिति स्मृत्वा समापन दर्शनात् कार्य शेषे च, क्योंकि कार्य का बचे रहने पर सुप्तोत्थितस्य सो करके जगे हुए के समान मम इदं कार्य शेषम अपरिसमाप्तमिति, क्योंकि उसके मन में ये रहता है मेरा यह कार्य अभी बाकी है, इतना भी पढ़ाना बाकी है, दिमाग में आता है नहीं जगने इस जगत ही इतना पढ़ना बाकी है, ये दिमाग में आ जाता है आप लोगों को भी, यही कार्य शेष अभी साधना बाकी, इतना जब बाकी, कोई अलग अलग अपना अपना जिसकी जो काम धंधा है वो उसको सोचेगा इतना बाकी है करके, और प्लास्टर करना मिस्त्री वो यही सोचेगा इतना भी प्लास्टर करना बाकी है, ये तो कहेगा वो। जिससे पूछो हर व्यक्ति का पास अपना कार्य शेष है, कोई ऐसा नहीं है कि जो कहे मेरा कोई कार्य शेष नहीं, अरे जीना ही एक कार्य है, वो ही तो शेष है, ऐसे जीवित कहां से रहोगे, जीना भी एक कार्य है, जी रहा है ना वही एक कार्य चल रहा, कर्म का कार्य है वो, कर्म का फल है वो, कर्म का फल है जो हम जीवित रह रहे हैं, यही कार्य शेष है इसलिए जीवित रह रहे हैं। जिस दिन कार्य शेष समाप्त हो जाएगा उस दिन वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म खत्म हो गया शरीर का, जिसमें कुछ कार्य शेष होना था आते वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी शरीर से अलग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कार्य शेष है तो सुप्त तो ममदम कार्य शेष स्मृतवा समापन दर्शनात, स्मरण करके फिर उस कार्य को समाप्त करने में लग जाता है, नया नया लेते रहेगा अपने कर्मानुसार है ना, इस तरह से कार्य जब तक जीवन है तब तक कार्य समाप्त, वास्तविक कार्य कार्य का समाप्ति नहीं, किंचित विशेष कार्य समाप्त हो जाता है, उन कार्य सकल कार्य समाप्ति मौत का दिन ही होता है, शरीर का सकल कार्य समाप्ति उसी दिन होनी है, लेकिन विशिष्ट कार्य को लेकर हाँ भाई हाँ ये उपनिषद खत्म हो गया, अभी उपनिषद पढ़ रहा वो खत्म हो गया, एक विशिष्ट कार्य को लेकर के आप समाप्ति का व्यवहार कर सकते हैं, वास्तविक समाप्ति जिस दिन सर्वकर्म समाप्ति होकर के शरीर ही समाप्त हो जाता उसी समय समाप्ति है। इसे कहा ब्रह्म निश्चय तावत पर्यंत सब अनुसूचित चलते रहेगा, ज्यादा मात्रा अंश जंतु नाम स्थन्य विलास भयादि दर्शनाच
अतिथि जन्मांतरानुभूत स्तनपान दुखानुभव स्मृति गम्यते। जन्म लिए हुए अव्यव्य जात मात्राण क्षण भर नहीं हुआ बच्चा रोने लगता है और माँ का स्तन को चाहने लगता है। स्तन्याभिलाषम भय भी दिखता है उसको, भयादी नाम भया दर्शनाच्छ अतीत जन्मांतर अनुभूतो पूर्व जन्मों में अनुभूत स्तनपान दुख का अनुभव आदि को अवश्य ही आपको अनुमान करना ही पड़े, स्मृति है ये बात माननी पड़ेगी। इसी प्रकार अग्निहोत्रादिनांच वैदिकानंकरणाम अर्थवत्तात्म जीव मृत इति एक और युक्ति तर्क है, सारे वेदों का विधिवर्त हो जाएगा। यदि शरीर से भिन्न जीव यदि नहीं मानोगे, इस शरीर से स्वर्ग कर दिया मैंने या कर्मकांड किया, उस कर्म का फल जो है स्वर्ग भोगना, इस शरीर के साथ तो जा नहीं रहा है कोई, फिर क्यों करोगे? सारी वैदिक विधियां व्यर्थ हो जाएंगे यदि शरीर से भिन्न जीवात्मा ना हो तो। अग्निहोत्रादिना वैदिकानंकरणाम अर्थवत्ता उनकी प्रयोजनवत्ता के लिए भी आपको जीव जो है नहीं मरता है यही मानना पड़ेगा, न जीव मृत इति, नहीं तो उनकी प्रयोजनवत्ता खत्म हो जाएगी। सयेशो इसलिए वह यह जो आपने पूर्व में सुना है अनिमा इत्यादि समान वाक्य समान शेष वाक्य। अब वही शंका भूय एवं माँ भगवान विद्यावत बोलो क्यों बोल रहा है बात भाष्कर कर दे कथम पुनरिदम अत्यंत स्थूलम पृथ्वी आदि नाम रूपवत जगत अत्यंत सूक्ष्म सदरूपात नाम रूप रहितात सतो जायते इति यत दृष्टांतेन भूय एवं माँ भगवान विद्यापेति वह यह जो अत्यंत स्थूल पृथ्वी आदि नाम रूप वाला यह जगत विशाल जगत है और वह जगत का आपने कहा वो अत्यंत सूक्ष्म कारण से निकला और अत्यंत सूक्ष्म कारण में ही विद्यमान है। आपने दिया ना उत्पत्ति, पहले स्थिति लिया, फिर उत्पत्ति लिया, फिर अब लय में जा रहे हैं प्रलय भी, तीनों काल में उसी में रहता है कर, ये कैसा हो सकता? इतना विशाल स्थूल जगत उतने सूक्ष्म पदार्थ के अंदर से निकला उसी में टिका है और अब उसमें लाइफ तक भी आप होने जा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? सूक्ष्मात सद्रूपात नाम रूप रहितात, लेकिन नाम रूप कर्म से रहित है, उसे नाम रूप कर्मात्मक स्थूल जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है? सतो जाति दृष्टांतेन भूय मां भगवान ज्ञापयतो इति कथम जायते अन्वय कर लेना कथम शुरुआत ये कैसे हो सकता है, तब दृष्टांत के द्वारा आकर मुझे और अच्छी तरह समझाइए। इति तथा सुमित वाच पिता, पिता ने कहा ठीक है और तुम बढ़िया ढंग से उसको समझाऊंगा। तो स्थिति उत्पत्ति और प्रलय तीनों ही उसी में होता है सत्य ही, ये भी सिद्ध कर दिया और वह सत्य ही तुम हो, इस बात सिद्ध करने के लिए अनेक दृष्टांत के द्वारा समझाया गया। लेकिन अब वो दृष्टांत उन्हें देना है जो सूक्ष्म में ही सकल स्थूल है, उसके लिए कहेंगे एक पेड़ का बीज लाओ फल लाओ, निग्रोध फलम मत आहर इदम भगवती भिंडी थी भिन्नम भगवती किमत्र पशसी थी अणव्य इवे मा धाना भगव इति आसामंगे काम भिंदी थी भिन्ना भगवती किमत्र पशसी थी न किंचन भगवती। अरे निग्रोध फलम मत आहर, निग्रोध मैंने वटवृक्ष, अशोक नहीं वटवृक्ष, वटवृक्ष का फल लाओ बोला, पीपल नहीं वटवृक्ष है, अतारा लाओ वही फल को जाओ गया इदम इति वही रहा होगा घर के बाहर कुटिया के बाहर ही, अरे जंगल होते थे बहुत और ऋषि कुलों में तो ये सब पेड़ लगाए जाते थे, पीपल का पेड़ वटवृक्ष का पेड़ साधना करने के लिए लगाते थे, आजकल लगाओगे तो नाश हो जाएगा ऐसे सोचते हैं, आजकल के लिए सोच रहे लक्ष्मी आने का साधन कौन सा पेड़ होगा, कौन सी पेड़ पौधे खूब लक्ष्मी आएगा, ये सोचते हैं आश्रम वाले लोग, क्यों ये सब पेड़ लगाने से लक्ष्मी नहीं आती, वहां तो साधन होगा भजन होगा सात्विकता रहेगी, वहां ये सब होगा नहीं लगे तो लक्ष्मी कहां से आएगी, लक्ष्मी तो जहां भ्रष्टता है वहां आएगी ना और भ्रष्ट करने को। इसलिए कहते हैं कि भाई ये वटवृक्ष सिर्फ जादू नहीं था, तुरंत उसने ये है महाराज दिखा दिया पूज्य भगवान ये है देखिए फल, हाँ तोड़ो इसको काटो भिंदी थी भिन्नम भगवती थी, तुरंत उसने तोड़ दिया, तोड़ दिया क्या दिखा दिया किमत्र पश्यसि, पूछा पिता ने क्या तुम देख रहे हो इसके अंदर, अणव्य थी छोटे 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 अनेक दाने हैं इसके अंदर, इमा धाना
हे भगवान, हे भगवान, इसे छोटे छोटे धाना है, मैंने बीज जैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे। आशा मंग एकाम बिंदी, उनमें से एक को भेदन कर दो। भिन्ना भगवान नीति, इसे ठीक है भगवान, मैंने इसका भेदन कर दिया। किमत्र वश्यसी, तुम क्या देख रहे हो, अब तो कुछ नहीं दिखता। चूर्ण हो गया, उड़ गया हवा में, खत्म बात, कहाँ टिकेगा कुछ। मैं दो तीन बार मैंने कहा दिया, कहने का मतलब बिल्कुल ही गायब हो गया, अब वो कोई स्थूल रूप ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है। स्थिति वैसे चूर्ण हो गया, अब स्थूल रूप है ना, किस चीज को चक्षुरादि का विषयत्व है ना, ग्रहण नहीं कर पाया, ये स्थिति हो गया। तब उसको बताएंगे, अब बताओ ये जो सूक्ष्म हो गया, जो तुम्हारे आंखों को नहीं दिख रहा है, वह सूक्ष्म अवयव ही कि स्थूल बना था कि नहीं बना, तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के वहां पहुंचे हो तुम, जैसे परमाणुवाद पहुंचा रहे ना, इसे लोग समझेंगे इसे परमाणुवाद हो गया। या तात्पर्य परमाणुवाद सिद्धि नहीं है, तात्पर्य सूक्ष्म स्थूलोत्पत्ति की सिद्धि। अगर वह सूक्ष्म परमाणु है कि सत ही है, आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, यह बात अलग है, बाद विचार होगा। अभी तो इतना तात्पर्य ना दृष्टा, उसने ये पूछा है इतना महान स्थूल कार्य एक सूक्ष्म कारण से कैसे हो सकता है, और सूक्ष्म कारण स्थिति काल में भी रहता है कहते हो, उस सूक्ष्म सब लय भी होता है कहते हो, ये कैसे हो सकता है, ये उसकी शंका को दूर करने मात्र में दृष्टांत दिया जा रहा है। जिस दृष्टिकोण से दृष्टांत है उसी हिसाब से ग्रहण करना। यदि प्रत्यक्ष करतुम इच्छसी, यदि आप आपको तुम प्रत्यक्ष करना ही चाहते हो, देखो सब प्रयोग करा रहे कि नहीं करा रहे, प्रयोगात्मक वेदांत है ही प्रयोगात्मक। एक व्यक्ति ने अपने आश्रम के बॉडी लिखा दिया, प्रयोग प्रयोगात्मक वेदांत क्या विद्यापीठ, ऐसे कुछ नाम से लिख दिया, लंबा चौड़ा बोर्ड, बकरी पाले और गाय पाल रहे हैं, बाल बच्चे वाले भी हो, प्रयोगात्मक वेदांत देखिए वहां कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, सर्वम ब्रह्मा ये दिखा रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, तो उन्होंने प्रत्यक्ष करना चाहते हो, पहले भी किया था ना, भूखे रहो, पानी मत पियो, मैं पानी पियो, अन्न मत खाओ, पहले भी अनुभव कराया, इस तरह हर चीज को उसको प्रयोगात्मक रूप में अनुभव कराने का प्रयास करा रहे हैं। तो यहां भी तुम प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो अतो अस्मात महतो निक्रोध, ये सामने दिख रहा है तुमको महान निक्रोध वृक्ष, पुस्तक है उसका फलम एकम मार, इससे गिरा हुआ एक फल को ले आओ, कथा चकारा ऐसे कहे जाने पर पुत्र ने वैसे ही किया, पुत्र ने शिष्य रूपा श्वेत केतु ने उसी प्रकार से आदेश का पालन किया। सईदम भगव उपहृतम फलम इति दर्शितवंतम प्रत्याह, वह जो है श्वेत केतु ने कहा, हे भगवान इदम उपहृतम फलम, ये देखिए मैंने फल लाया है, ऐसे जैसे उसने दर्शाया दर्शाता उसके प्रति प्रत्याह फलम भिंदी थी, उसके प्रति जवाब कहे पिता ने, अरे फल का भेदन करो, भिन्न मितियाह इतरह हो। उस दूसरे ने कहा ठीक है महाराज, देखो हमने तोड़ दिया इसको, अलग कर दिया, फोड़ दिया, टुकड़े में कर दिया। तब माह पिता, तब पिता कहने लगा किमत्र पश्यसि, क्यों तुम यहाँ क्या देख रहे हो, इत्युक्ते आह, तब पुत्र कहता है जवाब में, अणव्य अणुतरा इव इमा धाना बीजानी पश्याय भगवती, मैं तो इसके अंदर एकदम अणुतर, क्योंकि वटवृक्ष का फल के अंदर बहुत छोटे छोटे बीज सा होते, कण 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 जैसे हो, बहुत सारे ऐसे फल हैं, पोस्ता वगैरह, पोस्ता दाना देखा है, पोस्ता दाना का फल खसखस का, वो भी ऐसे ही एक छेद कर दो सुर गिर जाता है दुनिया भर के, सूखा हो उसके एक जगह छेद कर दीजिए दुनिया भर गिर जाए, छोटे 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 दाने, वैसे इसके अंदर भी दाने बहुत सारे दाने होते, पहले जमाने में इसी को खा करके तो ऋषि लोग रहते थे, वटवृक्ष का फल खा लो भूख नहीं लगता इतना आसानी से, बहुत भारी चीज है, बहुत ताकत की चीज, पेट नहीं बढ़ेगा, मानसिला शरीर तो बनेगा नहीं, तगड़ा शरीर चाहिए, दर्शनीय मूर्ति तब तो ये सब नहीं खा सकते, दर्शनीय मूर्ति बनना अगर घी माल छको और कोई रास्ता नहीं, उसके दंड बैठक पे लो तो दर्शनीय मूर्ति बनो, खट्टे खट्टे तगड़े दिखो, तपस्या करनी है तो ये सब चीज साधन, आत्मानुभूति करना है तो ये सब चाहिए,
దర్శనవంతం ప్రత్యా ఫలం బిందీతి భిన్న విత్యమర్వశసి ఆ అణువ్యో అణుతరా ఇవ అణుతరా పహలె జో తి ఛోటా థా నా ఫల్ ఇసే ఫల్ కో కతే అణు థా ఫల్ ఛోటా సా హై అణు ఈ క్యా ఉస్కే అందర ఛోటీ సీ అణుతరా ఇవ కహ దియా ఇసే ఉస్సే బిల్కుల్ ఛోటే కే సమాన్ దిఖ రహా హై ఇమా దానా బీజాని పశ్యామి భగవన్ నితి ఆసాం దానానాం ఏకాం దానా మంగ హే వత్స భిందీ ఇత్యుక్తే ఆహా భిన్నా భగవతి. फिर पिता ने कहा इन छोटे छोटे धानों में से एक आध धाना को लो और इसको भेदन कर डालो भिन्ना ही थी इसे भोजन प्रकार भिन्ना उससे कोष ने सैकड़ों टुकड़े कर दिया. एक फल को तोड़ा अपने सैकड़े टुकड़े आ गए थे छोटे छोटे उस एक छोटे को सैकड़ों टुकड़े कर दिया इसे भिन्ना भोजन प्रयोग कर रहा. एक उसने बीज को तोड़ो कहा और एक बीज उसने कहा भिन्ना प्रयोग कर हाँ जी हमने भेदन करके पूरा चूर्ण बना दिया इसको. अरे भिन्ना धाना तस्याम भिन्नायं किम पश्यसि यदि तुमने धानाओं को समय से भेदन करके मिटा दिया है अब बताओ उस भिन्न धाना में तुम क्या देख रहे हो. न किंचन पश्यामि भगवति. उसने कहा भगवान आप तो कुछ भी नहीं देख रहा है हमारे इंद्रियों के ग्राह्य तत्व या कुछ भी नहीं दिख रहा है. तम पुत्रम होवाच तब उस पुत्र के प्रति कहते तगुंग होवाच यम वै सोम्येतम अनिमानं निभालयस एतस् विश्वम्य एष अनिम्नः एवं महानिग्रोधस्तिष्ठति श्रद्धस्व सोम्येति. हे सोम्य श्रद्धा करो ये जो तुम देख रहे हो सूक्ष्म तत्व इसी में इतना बड़ा पेड़ है सामने वाला पेड़ को दिखा रहे जो बड़ा पेड़ है ना वो इसी में है कह उसमें कहां है कहने का तात्पर्य ग्रहण करना इसलिए साथ में जोड़ दिया श्रद्धा करो. कहने का तात्पर्य है ये जो पेड़ लंबा चौड़ा आदि तुमको सामने दिख रहा है वो भी इसी सूक्ष्म तत्व जैसा एक सूक्ष्म बीज था जिससे इतना बड़ा वृक्ष हुआ है. अर्थात बीजा भिन्न वृक्ष रूपा कार्य तुमको दिख रहा है था वह बीज सूक्ष्म है वो सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व से बीज हुआ बीज से अत्यंत वृक्ष हुआ. ये सूक्ष्म आदि सूक्ष्म के तारतम्यता में जाओगे तो सूक्ष्म आदि सूक्ष्म तत्व कौन बनेगा सूक्ष्मतम तत्व कौन है वो वही आत्मा वही सब. इस विषय में तुम्हें श्रद्धा करने का और कोई रास्ता नहीं है. कौन भी जो सूक्ष्म तत्व दिखा दो अरे इसी के सूक्ष्म तुम देख नहीं पा रहे अपनी इंद्रियों से उन सूक्ष्म इंद्रियों से कैसे तुम देख पाओगे है? इस बीज के सूक्ष्म तत्व को पहुंचने के बाद भी स्थूल कार्य कारण भाव का वह सूक्ष्मतम पृथ्वी तत्व के अंशों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो उस पृथ्वी के भी सूक्ष्म का कारण होता उस ब्रह्म को जो इंद्रियों से ग्रहण करने के प्रयास मत करो. इसलिए करें श्रद्धत्व वेगी रास्ता है वो सूक्ष्म समझना है ये सारी इंद्रियों की मूल कारण पहुंचना है इन इंद्रियों को सबको समेटते जाओ सकल इंद्रियों की वृत्ति को अपने अंदर एकीभूत करते जाओ. प्रधान में जैसे आएगा ना एक आयनम आएगा प्रलय प्रक्रिया लय प्रक्रिया सकल शब्द विशिष्ट शब्दों को शब्द में लय कर दो सकल विशिष्ट जो है रसों को रस में लय कर दो और फिर उसको अपने कर्ण में कर्ण को अपने कारण में ऐसे करते 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 आप पहुंच जाओगे अपने आत्मा जिसके पहले कठोर परिचित वांग मनसी इत्यादि प्रक्रिया से कह चुके हैं. उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है सूक्ष्म को अनुभूति करने का. इसे बाह्य इंद्रियों की तरह कोई वृत्ति से ग्रहण करना भी चाहे तो नहीं हो सकता है. इसी बात को समझाने के लिए कह दिया श्रद्धा सोम्येति तम पुत्रम उवाच इत्यादि. ओम पूर्णमदः.